यात्रियों की बढ़ती संख्या एवं गाड़ियों में लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा विभिन्न यात्री गाड़ियों का विस्तार किया गया है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना का असर अब कम हो रहा है, जिसके कारण यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे यात्री गाड़ियों की संख्या बढ़ाने जा रहा है। इंटरसिटी ट्रेनों को नियमित किया जा रहा है और अनारक्षित गाड़ियों भी चलाने जा रहा है। सीपीआरओ ने कहा कि यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, अब क्या स्थिति है? जब कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए थे तो उस समय यात्रियों की कमी की वजह से कई इंटरसिटी एक्सप्रेसेस जो चल रही थी, अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें जो चल रही थी, जो पैसेंजर ट्रेनें, इन सबको रोक दिया गया था। लेकिन जो लंबी दूरी की गाड़ियां थी वो लगातार हम लोग चला रहे थे, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। अभी जब धीरे धीरे कोविड के केसेस कम होने शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में यात्रियों की मांग लगातार बढ़ रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कई विशेष गाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ जो इंटरसिटी एक्सप्रेसेस जो यात्रियों की कमी की वजह से बंद कर दी गई थी, उनको पुनः स्टार्ट किया गया है। अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें, जो अनारक्षित एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनें जो थी, उनको पुनः स्टार्ट किया गया है। तो जहाँ से भी यात्रियों की मांग आ रही है, उन रूटों पे हम लोग लगातार नई ट्रेनें चला रहे हैं। अगर सामान्य दिनों की बात करें तो उनकी तुलना में अभी 70% से ज़्यादा ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं आज के डेट।